मायावती जी का हाथ पकड़ पकड़ के खड़ी थी, झटक दिया मायावती जी ने भी। फायदे की नुकसान किसी की ना, तो मैं कोई चीज हूँ जिसका कोई पॉलिटिकल फायदा उठा ले। लोकसभा चुनाव आते ही यूपी में सियासी समीकरण तेजी से बदलने लगे। कांग्रेस की नई महासचिव प्रियंका गांधी ने मेरठ में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात क्या की। एसपी बीएसपी गठबंधन में खलबली मच गई। मुलाकात के कुछ घंटे बाद ही समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की। मुलाकात को यूपी के राजनीतिक हलके में मायावती पर दबाव बनाने के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही मायावती ने चुनावी गठबंधन को लेकर कांग्रेस के लिए बीएसपी के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। इस मुद्दे पर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो वो बचते नजर आए और कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। तैयारियां शुरू हो गई हैं, कल आपकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात हुई, क्या स्ट्रैटेजी है आप लोग? बहुत जल्दी रैलियां भी होंगी, दोनों दल मिलकर के रैली कराएंगे, जगह और तारीख बहुत जल्दी इसकी जानकारी मिल जाएगी। उसी की बातचीत के लिए कल मैं मिला था। सर, जॉइंट रैलीज होंगी आपकी और मायावती जी की? फेसेस में कैसे जॉइंट रैली करनी है उसी पे बातचीत हुई थी, और कुछ तारीखें लगभग तय हो गई हैं कि कब शुरू किया जाए, और मैं समझता हूँ नवरात्र जब शुरू होंगे तो दोनों गठबंधन की रैलियाँ भी शुरू हो जाएंगी। सर, कांग्रेस ने जब मायावती जी का बयान आया कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी, कांग्रेस भी कह रही है कि अब हम पूरी तरह से अकेले लड़ेंगे, कल हमने देखा कि प्रियंका गांधी भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर से मिलने मेरठ गई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस रिवाइव होगी, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी होपफुल है इसको लेकर? मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। कांग्रेस से कुछ इफेक्ट पड़ेगा, कुछ कहना चाहिए? मैं इस पर भी कुछ नहीं कहूँगा। एसपी बीएसपी गठबंधन ने यूपी में कांग्रेस के लिए दो सीटें अमेठी और रायबरेली छोड़ी है। बताया जा रहा है कि दलित वोटों पर सेंधमारी की कोशिश हुई तो इन दो सीटों पर भी एसपी बीएसपी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। ये बताइए कि जॉइंट रैली को लेकर कोई बात हुई क्या, कब कब कहां कहां? जी बिल्कुल, ये डेट अभी तय नहीं हुआ, लेकिन ये तय हो गया है कि ज्वाइंट रैली कहां कहां होगी और सिंगल रैली कहां कहां होगी। इन सारी बातों को माननीय बहन जी, कितनी रैलियां होंगी? लगभग मान के चलिए कि माननीय बहन जी अभी दिशा निर्देश देंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आपको प्रेस नोट के माध्यम से माननीय बहन जी जरूर अवगत कराएंगे। कांग्रेस को लेकर कोई चर्चा नहीं? कांग्रेस हमारे साथ ही नहीं, कांग्रेस के लिए तो हम लोग पूरी तरह से, भाई मान लीजिए माननीय बहन जी ने पहले भी कह दिया कि प्रेस नोट के भाई माध्यम से कह दिया कि नहीं, हम कांग्रेस के साथ हमारा बिल्कुल गठबंधन नहीं हो सकता है। भाई कांग्रेस के साथ गठबंधन हमारा, मान लीजिए हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो हमारे जो वोटर्स हैं कल वो पूछेंगे ना कि यही कांग्रेस है जब माननीय कांशीराम जी मरे थे और उनकी दिल्ली में सरकार थी, इन्होंने एक दिन भी राष्ट्रीय शोक नहीं घोषित किया। हम जिनकी अंबेडकर जी की पूजा करते हैं, यही अंबेडकर जी जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे यही कांग्रेस उनके पीए को उनके खिलाफ लड़ा करके चुनाव हरवाई थी, तो हम कैसे गठबंधन कर सकते हैं? लेकिन तब क्या आप लोग अमेठी और रायबरेली में भी उम्मीदवार दे सकते हैं, ऐसी कोई चर्चा? अब इस पर माननीय बहन जी निर्णय लेंगी, और मुझे लगता है कि अभी कोई ऐसा मतलब फैसला नहीं हुआ है। अब ये गठबंधन के दोनों नेता ही मिलकर इस बात को तय करेंगे, अभी तक तो वो दोनों सीटें छोड़ी गई हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसी स्थिति बनेगी तो माननीय बहन जी और माननीय अखिलेश जी निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में आगे यूपी की सियासी लड़ाई और भी दिलचस्प हो सकती है।